सिर्फ बातें की रखते हो। यस शशि मैम, नहीं सर, अलग से लिखा नहीं, खाली सबसे मैंने बात की तो मुझे अच्छा लगा कि वाकई में बातों में काफी ताकत होती है अगर किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो। और ये चीज बहुत अच्छा है क्योंकि आज मैं अपने बच्चों के ट्यूशन टीचर के घर गई थी तो उन्होंने उनसे भी काफी समय से मेरी बात नहीं हुई थी, तो आज उनके यहाँ भी गई, मैं हाफ एन आवर बैठी थी उनसे बातें की, हम लोग ने चाय नाश्ता भी किया और काफी अच्छा लगा। उन्होंने भी इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए 3,000 दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि सही है, बात करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी, काम मुझे भाग गया, बस बात किया और पैसे आ गए, तो वाकई में सर यहाँ पे ऐसा ही है कि बात करो और पैसे आ जाते हैं, फिर चाहे वो किसी से भी बात कर लो आप। बस सर, थैंक यू सर आज के लिए। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आज आपको दो दो ज्वाइनिंग का अमाउंट मिल गया, यस सर, इसीलिए आज आप बहुत खुश हो। हाँ सर, आज मैं खुश हूँ। चलिए, दैट्स वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस वर्षा, अनम्यूट कीजिए। यस सर, ग्रेट इवनिंग। यस मैम, ग्रेट इवनिंग। कल हमने रिलेशन के बारे में सीखा था। आपने बताया था कि रिलेशन इज इक्वल्स टू रिजल्ट, मतलब हमारे लोगों के साथ जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट हमें बिजनेस में आएंगे। इसलिए हमें हमारे जो भी रिलेशन है वो हर एक के साथ, मतलब प्रोस्पेक्ट के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ हमेशा मेंटेन करके रखना है, तभी हम अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमें क्रॉसलाइन से भी हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा रखना है, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है। तो प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें उन्हें हमेशा गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करना है, उनके बर्थडे पर विश करना है, दिवाली में या उनके घर से कोई भी पूजा का इनविटेशन आए तो हमें उसे अटेंड करना है। और सिर्फ उनके सुख में ही नहीं बल्कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हमें वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहना है, तभी वो रिलेशन हम अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। और अपलाइन के साथ हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि हमें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपलाइन को हमारे, हमें खुद उन्हें हमेशा कॉल करना चाहिए, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, और किसी भी मीटिंग में नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाते वक्त हमेशा उनका जो इंट्रोडक्शन है वो एडिफिकेशन के साथ करना चाहिए। वहां पर उनका जो स्थान है वो सबसे ऊंचा रखना है हमें हर किसी के सामने, और हमेशा उनसे लॉयल रहना है। और डाउनलाइन के साथ भी हमें हमारा जो ट्रस्ट है वो हमेशा बिल्डअप करके रखना है, उनकी हर बार काउंसलिंग करनी है, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, उनकी हर छोटी से लेकर बड़ी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है, और उन्हें भी रिस्पेक्ट देना है क्योंकि अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तभी वो सामने से हमें रिस्पेक्ट देंगे। और जैसे आपने बताया था कि इस बिजनेस के लिए रिस्पेक्ट मिलना और रिस्पेक्ट देना, ये दोनों ही बातें बहुत जरूरी है, और कहीं भी उन्हें इंसल्टिंग फील नहीं करवाना है हमें, हमेशा उन्हें भी रिस्पेक्ट देना है। और आपने एक असाइनमेंट दिया था रिलेशंस के बारे में, तो हर एक रिलेशन की जो नींव होती है वो विश्वास और अंडरस्टैंडिंग पर टिकी होती है, चाहे वो रिश्ता प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। अगर हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता है तो वो विश्वास पर ही टिका हुआ है, हमें एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे पर प्यार होना चाहिए, और साथ ही साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चों के साथ भी हमारा जो रिश्ता है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हमें बच्चों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए तभी बच्चे भी हमें रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बातें हमें सुनकर लेनी है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब जब पापा की चप्पल बच्चे के पैर में आने लगती है, तो वो एक उनके साथ एक कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप हमें मेंटेन करके रखनी है, तभी बच्चे भी उनकी मन की बात हमें बताएंगे और हम भी कहीं ना कहीं जाकर उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ जो भी हमारे अदर रिलेशंस है उन्हें भी हमें इसी तरह से मेंटेन करके रखना है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या अदर रिलेटिव्स हो, उनके साथ भी हमें हमारे जो रिलेशंस है वो हमेशा ट्रस्ट के
के साथ साथ रिस्पेक्ट, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मेंटेन करके रखना है। थैंक यू सर। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट और कौन बताना चाहेंगे? रिलेशन आपस में रखने के लिए और हमें क्या करना चाहिए? हमें आपस में रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखने के लिए एक टेक्निक और फॉलो करनी चाहिए, जिस टेक्निक को बोलते हैं झंडा टेक्निक। किसको पता है झंडा टेक्निक? मैंने पहले भी बताई है शायद, किसी को पता है झंडा टेक्निक क्या होती है? किसको पता है झंडा टेक्निक क्या होती है? नहीं पता? यस शशि मैम बोलिए, आपको पता है तो। सर आजी हमारे मेंटर ने हम लोगों को बताया था रिलेशन के बारे में, वो भी बता रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि झंडा टेक्निक होता है जिसमें जब सामने वाला बहुत गुस्सा है और अगर आप भी गुस्सा करोगे तो सिर्फ बात बिगड़ेगी, कभी भी बात बनेगी नहीं। उस समय पे आपको अपने गुस्से की जो सारी बातें उसको ऐसे फोल्ड करना है और अपने पॉकेट में रख लेना है, जिसे कहते हैं झंडा टेक्निक। यानी आपको शांति से काम लेना है, ना कि गुस्से में काम लेना है। वेरी गुड। झंडा टेक्निक होती है जब दूसरे व्यक्ति का झंडा खड़ा हुआ है। यस सर। दूसरे व्यक्ति का झंडा खड़ा हुआ है उस वक्त आपको अपना झंडा फोल्ड करके पॉकेट में रख लेना है। मतलब जब सामने वाला व्यक्ति गुस्सा हो रहा है तो उस वक्त आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है और आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। समझ में आ रहा है? यदि दोनों का झंडा एक साथ टकराएगा, दोनों लोग एक साथ गर्म हो जाओगे, उधर भी ये टेम्पर जो है हॉट हो रहा है, इधर भी टेम्पर हॉट हो गया, तो फिर रिलेशन खराब हो जाएगा। इसीलिए यदि हस्बैंड का कभी देखो कि माथा गर्म है, आप चुप रहो, और हस्बैंड देखे कि कभी आपका माथा गर्म है तो उसको चुप रहना चाहिए। ऐसे ही डाउनलाइन देखे कि आपका माथा गर्म है तो डाउनलाइन को चुप रहना चाहिए, और आपको दिखाई दे कि डाउनलाइन का माथा गर्म है तो आपको चुप रहना चाहिए। मतलब सिंपल समझ के चलो, आपको कभी भी जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है तो आपको गुस्से में रिएक्ट नहीं करना है, अब आपको शांत रहना है, राइट ना? इसको बोलते हैं झंडा टेक्निक। जब सामने वाले का झंडा खड़ा हो तो अपना झंडा निकाल के फोल्ड करके पॉकेट में रख लो, और जब सामने वाले का झंडा फोल्ड हो जाए तो फिर अपना झंडा खूब निकाल के फहराने लगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस वक्त अपना झंडा फोल्ड करके रखना है जिस वक्त सामने वाले का झंडा आसमान में फहर रहा है, मतलब उसका ईगो की वजह से उसका टेम्पर हाई है, गुस्सा है, उस टाइम पर आपको अपने आप को डाउन करके रखना है, अपने आप को संभालना है। इसको बोलते हैं झंडा टेक्निक, राइट ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है किसी के भी साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी कभी आपको मौका मिले, अपने पेरेंट्स का, अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का, जब भी आपको मौका मिले सच्ची तारीफ कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए। आपकी वाइफ खाना बनाती है, खाने की तारीफ कीजिए, सब्जी की तारीफ कीजिए, उसके उनके खाने की तारीफ कीजिए। जब भी वो खाना बनाती हैं, कोई भी आइटम बनाती हैं, तो तारीफ कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए, राइट ना? कभी कोई कमी रह जाए तो उसको बहुत ज्यादा इश्यू मत बनाइए। खाने में यदि 10 बार अच्छा बनेगा तो एक बार खराब भी बन सकता है, 19-20 भी हो सकता है। तो जब 19-20 हो जाए तो उस वक्त एडजस्ट करना है, उस वक्त उस चीज को लेकर के इश्यू नहीं बनाना है। ऐसे ही आप लोगों का है महिला शक्ति को, हस्बैंड की यदि कोई तारीफ करने लायक चीज है तो आपको तारीफ करनी चाहिए, तारीफ कीजिए उनकी। कारण ढूंढिए तारीफ करने के, ढूंढिए किन किन चीजों में तारीफ की जा सकती है, और उसके बाद में यदि कभी कोई 19-20 भी रह जाए तो फिर उस चीज का इश्यू मत बनाइए। तो इस तरीके से एक रिलेशन मेंटेन होता है। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, रात गई बात गई, पहल कीजिए, हमेशा पहल कीजिए अपनी तरफ से, इससे भी रिलेशन मेंटेन होता है। कभी किसी के साथ में आपकी तूतू मैमें हो गई, थोड़ा सा 19-20 हो गया, झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, तो सबसे पहले आप पहल कीजिए, और आप पहल करने के बाद उस मैटर को वहीं की वहीं सॉर्ट आउट कीजिए, खत्म कीजिए, लंबा मत खींचिए। यदि आप लंबा खींचोगे किसी भी मैटर को तो उससे रिलेशन और ज्यादा खराब होगा। तो
तो आपको रिलेशंस को और ज्यादा खराब नहीं करना है, रिलेशंस को अच्छा मेंटेन करके रखना है। उसके लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी कोई 19-20 हो जाए तो उसका इश्यू मत बनाइए, बात को खत्म कीजिए। और ये वाले प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो कीजिए, रात कही बात कही। झगड़ा हुआ था कल शाम को हुआ था, सुबह नहीं है ना, सुबह अपनी तरफ से पहल करके बात कीजिए, तो इससे आपका हमेशा अच्छा रिलेशन बना रहेगा। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके और कोई भी व्यक्ति हो। कहने का मतलब आपको रिलेशन मेंटेन करने के लिए इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। समझ में आ गया क्या सभी को, रिलेशन मेंटेन कैसे करने चाहिए? बाकी कल भी हमने बहुत सारी चीजें बताई थी रिलेशन मेंटेन करने के लिए, राइट? आज भी वापस आप लोगों को कुछ चीजें बताई हैं जिनसे कि अच्छा रिलेशन आप मेंटेन कर सकते हो। रिलेशन मेंटेन करना आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनलाइन के साथ रिलेशन, अपलाइन के साथ रिलेशन, अब क्रॉसलाइन के साथ अच्छे रिलेशन कैसे होंगे? क्रॉसलाइन के साथ अच्छे रिलेशन कैसे होंगे? क्रॉसलाइन के साथ अच्छे रिलेशन करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, जब भी क्रॉसलाइन का कोई व्यक्ति आपको मिले, जब भी क्रॉसलाइन का कोई व्यक्ति आपको मिले तो आपको उसके अपलाइन की सच्ची तारीफ करनी है, आपको उसके अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। कब? जिस वक्त उस क्रॉसलाइन का डाउनलाइन आपके सामने खड़ा हुआ है, आपसे कहीं मुलाकात हो गई है, तो अब आपको उसके अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। अपलाइन का एडिफिकेशन कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्षा कनाडे मैम की कोई डाउनलाइन शोभा मैम से जाके मिल लेती है, शोभा मैम से मुलाकात हो जाती है, तो अब शोभा मैम की जिम्मेदारी बनती है कि उससे वर्षा मैम का एडिफिकेशन कर, उनसे पूछे आप किसकी टीम से हो, वो बोले वर्षा कनाडे मैम की टीम से हो, अरे वाओ ग्रेट, क्या लीडर है वर्षा मैम, बहुत ही शानदार, क्या मतलब उनका नेचर है, कितनी शानदार लीडरशिप है उनके अंदर, माइंड ब्लोइंग, बहुत शानदार अपलाइन आपको मिली। समझ में आ गया? जब ये बात आप उससे बोलोगे तो उसके मन में अपनी अपलाइन के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ेगा, अपलाइन के मन में रेस्पेक्ट बढ़ेगा, और जब कभी भी वो अपनी अपलाइन से मिलेगी तो वो भी क्या बोलेगी, ऐसे ऐसे शोभा मैम मिली थी, आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, शोभा मैम मिली थी, आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, तो वर्षा मैम क्या बोलेंगी फिर? वर्षा मैम अंदर ही अंदर मन ही मन में बोलेंगी थैंक यू शोभा, और नेक्स्ट टाइम यदि शोभा मैम का कोई डाउनलाइन वर्षा मैम को मिलेगा तो वर्षा मैम क्या करेंगी, अरे तुम शोभा की टीम से हो क्या, वाओ क्या लड़की है, क्या गजब की उसका क्या एटीट्यूड है, क्या नेचर है, कमाल की लीडरशिप है उसके अंदर, ग्रेट, बहुत सुंदर, तुम्हारी अपलाइन बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी लीडर के साथ में काम कर रहे हो, वेरी गुड, मन लगा के ऐसे काम करो, शाबाश। अब क्या हुआ उसके मन में? उसके मन में शोभा मैम का रेस्पेक्ट और भी बढ़ गया, उसके मन में शोभा मैम का एडिफिकेशन और बढ़ गया। अब इससे क्या होगा, वो शोभा मैम की बात ज्यादा मानेगी, शोभा मैम के साथ में वो मन लगा के काम करेगी, अब शोभा मैम से वो कोई शिकायत नहीं करेगी, और जब भी शोभा मैम को मिलेगी तो क्या बोलेगी, मैम वर्षा मैम मिली थी, आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। आप देखिए, वर्षा मैम की डाउनलाइन बोल रही है कि शोभा मैम तारीफ कर रही थी, शोभा मैम की डाउनलाइन बोल रही है कि वर्षा मैम तारीफ कर रही थी। अब आप मुझे बताइए, आप दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? जब दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके रिलेशन तो अच्छे होंगे ही होंगे, और फिर कभी भी जिंदगी में वर्षा मैम शोभा मैम का नुकसान नहीं चाहेंगी, और शोभा मैम कभी भी वर्षा मैम का कोई भी नुकसान नहीं चाहेंगी, और आवश्यकता पड़ने पर दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। इससे मेंटेन होते हैं गुड रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस। ऐसे ही कल मैंने अपलाइन के बारे में बताया था, अपलाइन के साथ में अच्छे रिलेशन कैसे करने मेंटेन, सबसे पहले तो उनसे कोई चीज छिपाइए मत, राइट? उसके बाद में उनको रेस्पेक्ट कीजिए, उनको पूरा रेस्पेक्ट दीजिए, उनसे कोई भी काम करो पहली बार तो पूछ के कीजिए, राइट? उनका एडिफिकेशन कीजिए, जब भी कभी उनको लेके जाओ तो उनका प्रॉपर तरीके से सम्मान कीजिए, उनकी बात को मत काटिए कभी भी, वो कभी बोल रहे हैं उनके बीच में कभी ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए। तो इस तरीके से आपके आपकी अपलाइन के साथ में रिलेशंस अच्छे होंगे। डाउनलाइन के साथ में रिलेशन मेंटेन करने के लिए उनको भी रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट तो एक ऐसी चीज है जिसको भी दोगे वहीं से वापस मिलेगा, डाउनलाइन को दोगे तो वापस मिलेगा, अपलाइन को दोगे तो वापस मिलेगा, और अकेला नहीं आता रेस्पेक्ट वापस। रेस्पेक्ट ही क्या,
आप कोई भी चीज दीजिए डाउनलाइन को या अपलाइन को या किसी को भी, वो चीज आपको पता है वापस अकेली नहीं आती, विद इंटरेस्ट आती है। आप बोलेंगे सर कैसे समझ में नहीं आया, आप किसी को एक गाली दो वापस कितनी मिलेंगी, किसी को एक दोगे तो वापस कितनी मिलेंगी विद इंटरेस्ट, किसी को एक थप्पड़ लगाओ तो वापस कितने मिलेगा विद इंटरेस्ट, किसी को दुआएं दो वापस क्या मिलेंगी विद इंटरेस्ट दुआएं मिलेंगी, किसी को रेस्पेक्ट दो विद इंटरेस्ट रेस्पेक्ट मिलेगा, किसी को पैसा दो विद इंटरेस्ट पैसा वापस आएगा। कहने का मतलब यह है वट एवर यू गिव यू विल रिसीव विद इंटरेस्ट, आपको उतना नहीं मिलेगा आपको बढ़ के मिलेगा, कुछ चीज तो डबल होके मिलेगी कुछ चीजें और ज्यादा मल्टीप्लाई होके भी मिलेंगी। तो इसलिए हमेशा क्या कीजिए, जो आप चाहते हो वही लोगों को दीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन आपको इज्जत करे तो भाई पहले आप डाउनलाइन को इज्जत करें, आप चाहते हो आपकी अपलाइन आपकी इज्जत करे तो पहले आप अपनी अपलाइन की इज्जत करो, यदि आप नहीं करोगे तो फिर सामने वाले से उम्मीद करना भी पाप है, तो सबसे पहले तो हमें करना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे रिलेशंस अच्छे मेंटेन होंगे। हस्बैंड आते हैं आपके थके हारे आते हैं, थोड़ा सा उनके पास में खड़े होइए, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, उनको पानी लाके दीजिए, उनको चाय लाके दीजिए, उनसे बात कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं रिलेशन के मामले में, जिस वक्त हस्बैंड वाइफ पास में हो या हस्बैंड घर में घुस जाए या वाइफ घर में घुस जाए उस वक्त मोबाइल को थोड़ा साइड में रख दीजिए। अदरवाइज तो आजकल देखा क्या जा रहा है, हस्बैंड अपना मोबाइल लेके लगा रहता है, वाइफ अपना मोबाइल लेके लगे रहती है, बच्चे अपने मोबाइल लेके लगे रहते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ लेना देना कब होता है, ये खत्म हो गया ये ले आना, वो खत्म हो गया वो ले आना, अब ये कपड़े धो देना वो प्रेस कर देना, ये करवा देना वो करवा देना, अभी रिलेशनशिप कितना रह जाता है पता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी का। क्यों, क्योंकि सब बिजी एंगेज, सिर्फ किस चीज में एंगेज है, अपने अपने मोबाइल्स में एंगेज है। फिर बोलते हैं जी हमारा रिलेशन अच्छा नहीं रहता, हस्बैंड को गुस्सा आता है, वाइफ को गुस्सा आता है, चिड़चिड़े रहते हैं आपस में, क्यों, क्योंकि बात ही नहीं कर रहे। और हम लोग हमेशा बोलते हैं बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है, बात ही नहीं करोगे तो बात बनेगी कैसे। तो इसलिए इस बात का रिलेशन मेंटेन रखने के लिए, रिलेशन बिल्ड रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल भी बताया था, आज वापस फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक आपके फैमिली में अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, जब तक आपके फैमिली में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, सक्सेस तो भूल जाओ, सक्सेस तो भूल जाइए। और एक चीज और, एक आपको बहुत स्पेशल बात बताता हूं, हमेशा लाइफ में खुश रहोगे रिलेशन अच्छे बना के रखने के लिए, कभी भी है ना, कभी भी हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कभी भी किसी की ना एक साइड मत लेना अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए, कभी भी किसी की साइड मत लेना। आपस में दो लोगों में झगड़ा हो रहा है ना, उनकी भी सुन लो, उनकी भी सुन लो, दोनों की सुन लो, और दोनों को एक ही चीज बोलनी है, दोनों को एक ही चीज बोलनी है। मैं आपको बता रहा हूं आपके जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, रिलेशन अच्छे रहेंगे। क्या बोलना है देखो, आपको तो पता है, मैं आपको पैट वाक्य बता रहा हूं जो किसी के भी रिलेशन को खराब होने से बचा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शोभा का और वर्षा मैम का झगड़ा हुआ, और शोभा मैम भी आपसे शिकायत कर रही है, वर्षा मैम भी आपसे शिकायत कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे शिकायत कर रही है दोनों लोग, शोभा ने ये किया वर्षा ने वो किया, शोभा ने ये किया वर्षा ने वो किया, शोभा ऐसी है वर्षा वैसी है, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। मैं जब शोभा को सुन रहा हूं तो क्या बोलूंगा, देखो तुम बहुत समझदार हो, तुम समझ सकती हो, जिसमें जितनी अकल है ना वो उतना ही काम करेगा, जिसमें जितनी समझ होगी ना वो उतना ही काम करेगा, तुम तो जानती हो ना कोई भी व्यक्ति अपनी समझ के बराबर ही काम करता है। तो शोभा को क्या बोल दिया, शोभा को बोल दिया जिसमें जितनी अकल है उतना ही काम करेगा। अभी वर्षा मैम के पास गया, वर्षा मैम से बात हो रही है, और वर्षा मैम से बात हो रही है, वर्षा मैम ने भी बोला ऐसे 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 बोला, आप तो सही हो ना अपनी जगह पर, आपको तो पता ही है ना जिसमें जितनी समझदारी होगी वो उतना ही बात करेगा ना, उसमें जितनी समझदारी थी उसने उतनी बात की,
अब आप में ज्यादा समझदारी है, उसमें कम समझदारी है, तो अभी क्या हो गया, दोनों को उन्हीं की जगह पर शांत कर दिया। अदरवाइज मैं क्या करता, घर में पता झगड़े क्यों होते, वर्षा मैम ने मुझसे बोला कि शोभा ने ऐसे ऐसे किया, और मैं जाके सीधे शोभा के ऊपर जाकर के ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दूं, तुम्हारा ये क्या तरीका होता है, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम, और ये तुमने ऐसे कैसे किया, अब झगड़ा पड़ेगा। उधर गया उनसे बोलना चालू कर दिया तो ये प्रॉब्लम होगी। तो करना क्या है, किसी का भी साइड नहीं लेना, दोनों को अलग अलग जगह पर समझा देना है। उधर शोभा को समझा दो, वर्षा को समझा दो, उधर हस्बैंड को समझा दो, उधर बच्चों को। ये होता है ना घर में, घर में हो जाता है ना, मम्मी बच्चों में होता है, पेरेंट्स के साथ हो जाता है। तो ये तरीका होता है रिलेशन को मजबूत बना के रखने का। और फिर कुछ भी बोलो, एक चीज और कर लो लास्ट में। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, सुबह मैम वर्षा मैम है ना, वो झगड़ा हो जाए, कुछ मनमुटाव हो जाए, बात अलग है, लेकिन मुझे तो जब भी मिली है ना, हमेशा तुम्हारी तारीफ की है। मुझे तो जब भी मिलती है ना, तुम्हारी तारीफ करती है। हो सकता है आज शायद उनका मूड ऑफ होगा, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा कुछ बोल दिया हो, अदरवाइज तो मुझे तो जब भी मिलती है ना, तुम्हारी तारीफ कर ही नहीं थकती हो। और सुबह मैं वर्षा मैम को जाके क्या बोला, हो सकता है मैम आज कोई ऐसी बात हुई हो, गुस्सा आ गया हो, अदरवाइज तो मैं तो जब भी सुबह से मिला हूं आपकी तो बहुत तारीफ करती हूं। अब इससे क्या हो जाएगा, दोनों के मन में जो एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो चल रही थी वो फिनिश हो गई और पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होने लगी, और आप दोनों का रिलेशन हमेशा सही बना रहेगा। तो हमेशा रिलेशंस बनवाने के लिए एक अच्छे मीडिएटर का काम कीजिए, एक अच्छा मीडिएटर बनिए, तो आपके रिलेशंस हमेशा बढ़िया रहेंगे, दूसरों से भी बढ़िया रहेंगे और लोगों के भी आपस में बढ़िया रिलेशंस रहेंगे। कभी फैमिली में झगड़े नहीं हो सकते, और हो भी जाएंगे ना 19-20 तो लंबे नहीं चलेंगे, अदरवाइज तो देखा है मतलब बहुत बहुत लंबे चलते हैं, राइट ना। तो ऐसी स्थिति, रिलेशंस अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली में भी, बिजनेस में भी, बाहर भी, अंदर भी। रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, आप सिंपल समझ के चलिए, आपका बिजनेस सफर करेगा। और अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन तो हमेशा अच्छे रहने चाहिए, यदि अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन खराब रहेंगे ना तो पूरा असर आपकी टीम के ऊपर पड़ेगा, टीम कंफ्यूज रहती है फिर कौन सही है कौन गलत है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। बाकी मैंने बता ही दिया, एक काम वो कर सकते हो, कभी भी यदि आपको फैमिली में रिलेशन खराब ना हो उसके लिए हमेशा है ना सैंडविच मॉडल यूज कीजिए। सैंडविच मॉडल पता है क्या होता है, नीचे स्लाइस, बीच में खीरा वगैरह डाल दिया सब आपने, ऊपर से फिर स्लाइस रख दी। ऐसे ही जब कभी भी आपको फैमिली में आपको लगता है कि किसी में सुधार की आवश्यकता है, सुधार की गुंजाइश है, बच्चों में, हस्बैंड की आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, वाइफ की आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, कोई आदत अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तो एक तरीका है सबसे सिंपल सबसे बढ़िया, जैसे मुझे वाइफ को सुधारना हो, मतलब वाइफ की किसी गलती को सुधारना हो, तो एक बहुत सिंपल तरीका क्या कीजिए, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी एक तारीफ करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा वाइफ की एक तारीफ करूंगा, कोई भी एक तारीफ, उसके बाद में जो कमी है फिर वो बताऊंगा, वाह यार क्या खाना बनाया तुमने, गजब मजा आ गया, अच्छा इसमें है ना ये थोड़ा सा और, इसमें थोड़ा सा है ना नमक कम हो जाता ना मजा आ जाता, और फिर बाद में एक तारीफ, वैसे ना मैं सब्जियां जोरदार बनाई, आज है ना चपाती मस्त बनाई, आज है ना तुमने ये बहुत बढ़िया किया, तो अब क्या हो गया, नीचे तारीफ, बीच में कमी, फिर ऊपर से तारीफ, सैंडविच मॉडल। हस्बैंड ने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको पसंद नहीं है और आप ये चाहते हो कि वो आगे को ना करे, तो पहले क्या कीजिए, हस्बैंड की एक तारीफ, फिर बीच में वो जो गलत किया है जिसको सही करवाना है, और वापस से एक तारीफ। सेम बच्चों के साथ है, आपका बच्चा मैथ्स में वीक है बाकी सब में सही है, तो डायरेक्ट उसको मत बोलिए क्या है तुझे इतने ट्यूशन लगवा दिए,
तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है, तेरे इतने मार्क्स आते हैं, क्या मतलब है ये, क्या फायदा हुआ तेरे पढ़ाने का। एक तो ये तरीका है, अब आप सोच के देखिए इसमें बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। या दूसरा तरीका, बेटा वाओ ग्रेट, तुम्हारे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, 98 out of 100, वाओ ग्रेट, क्या बात है बेटा, बस मैथ में और थोड़ा सा इंप्रूव कर लोगे ना तो तुम क्लास में टॉप आओगे, बस तुम्हारे मैथ में थोड़े से कम रहेंगे, बस इसको सही करना है। देखो तुम्हारे इंग्लिश में 98 और वाओ साइंस में भी तुम्हारे 96, अब क्या हो गया, अब बच्चा मैथ्स को सुधारने के लिए पूरी जान लगा रहे हो। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था, तुम क्या है बुद्धू रहोगे, तुम इतने ट्यूशन लगवा दिए, तुम्हें कुछ भी कर लो, तुम मैथ्स में तुम डुबो दोगे, तुम पास भी नहीं हो पाओगे, ये क्या कर रखा है तुमने, और तुम्हें समझ में नहीं आता, पढ़ने को बोलो पढ़ते नहीं हो, खेलते रहते हो टाइम। अब आप देखिए कितनी उसको रामायण सुना रहे, अब क्या फर्क पड़ेगा उसके, दोनों में अंतर समझ में आ गया, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल और नॉर्मली आप जैसे लोगों को शिकायत करते हो, तो कभी भी शिकायत करो ना किसी को, तो शिकायत को भी चाशनी में लपेट के करो। चाशनी समझते हो आप लोग, चाशनी नहीं पता, सुगर, सुगर कोटेड, सुगर कोटेड मतलब कभी भी कोई शिकायत करो ना किसी से, सुगर कोटेड शिकायत करो, सुगर कोटेड, सुगर कोटेड का मतलब समझ गए, कैसे भी समझ लो, या तो उसको चीनी में घोल के दो प्यार से, या तो फिर सैंडविच मॉडल लगा के दो, फिर आपके जो बोलोगे वो सटीक होगा, रिलेशंस भी खराब होंगे। समझ में आ गया क्या, रिलेशंस मेंटेन कैसे करते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी लीडर को समझनी चाहिए, आनी चाहिए, वो है प्रॉपर यूज ऑफ मोबाइल। क्या, प्रॉपर यूज ऑफ मोबाइल। एक लीडर को मोबाइल को सही यूज करना आना चाहिए। आपको पता है आज की तारीख में हमारा बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मोबाइल। यदि आपसे मोबाइल छीन लिया जाए ना, तो आपको लगेगा मेरा तो बिजनेस खत्म हो गया। मोबाइल हाथ में से जाते ही ऐसे लगता है पता नहीं क्या चला गया। आज की तारीख में मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए। अब इस इंपॉर्टेंट टूल का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। और सच बात बताऊं आपको, मैक्सिमम लोगों को मोबाइल का यूज ही नहीं पता, करेक्ट यूज नहीं पता, मोबाइल को यूज कैसे करना चाहिए। मैं आपको एक एक करके बताता हूं मोबाइल के कौन कौन से यूज और कैसे कैसे मोबाइल को यूज करना चाहिए। आपको प्रॉपर आना चाहिए मोबाइल को यूज करना। एक लीडर को मोबाइल कैसे यूज करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले तो मोबाइल का प्रॉपर यूज क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बिजनेस के लिए। अब देखिए मोबाइल में सबसे पहले कॉलिंग, मिस्ड कॉल, मैसेजिंग एंड वेटिंग कॉल, कॉल वेटिंग। अब देखिएगा आपको कॉल कैसे करना चाहिए। कॉल करने से पहले भी मैं आपको बताता हूं नंबर्स कैसे बताने चाहिए। अभी मैं सुबह आपसे पूछूं आपका मोबाइल नंबर क्या है तो बता के बोलो एक बार, आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 7738 4 0 7738 4 0 2 1। मैं नोट करता हूँ, दोबारा बोलिए। 7738 4 0 2 1 4 0 2 1। यानी एक बार में आपने चार अंक बोले हैं, बाद में आपने छह अंक बोले। वर्षा मैम आप बोलिए अपना मोबाइल नंबर। यस, आप म्यूट हो गए दोबारा म्यूट हो गई आप। यस यस 9 7 9 7 3 7 6 0 5 1 0 0 3 7 6 0 5 1 0 5 1 0। ओके, यानी आपने इसको कई पार्ट्स में बोला है। और कौन बता सकते हैं अपना मोबाइल नंबर करेक्ट, सही तरीके से मोबाइल नंबर किस किस को पता है बताना। यस सुधांशु जी, करेक्ट तरीका मोबाइल नंबर बताने का, अनम्यूट कीजिए। यस गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, मेरा 7308 7308 0
7308 080 305 गलत तरीका है। नेक्स्ट सही और कौन बताएंगे सही तरीका क्या होता है मोबाइल नंबर बताने का? यस सुहेल जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सही तरीका है नंबर को ना दो दफे में बताना है, जैसे 9548270791 पहले पांच पर पहली दफा में, फिर पांच नंबर दूसरी दफा में। हमेशा अपना मोबाइल नंबर दो पार्ट्स में बताना चाहिए। जो करेक्ट तरीका है वो पांच पांच अंक, एक बार में पांच अंक, एक बार में पांच अंक, ये करेक्ट तरीका है। लेकिन आपको इजी कौन सा लगता है जो अभी तक आप यूज करते आ रहे हो? वो आपको इजी लगता है क्योंकि आप उसको करते आ रहे हो। अब राइट हैंड से लिखना इजी लगता है क्योंकि आप, लेफ्ट हैंड से लिखना इजी नहीं लगता क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो। लेकिन करेक्ट तरीका क्या है वो यही है। जैसे आप मुझसे पूछोगे सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मैं बोलूंगा 9219606727। क्या 9219607? अभी जैसे शोभा मैम का है तो शोभा मैम 7784440021। समझ में आ गया? वर्षा मैम का क्या है 9773705100, नहीं कम रह गया, 3369, इनका कोई एक अंक रह गया शायद, मतलब मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई है नंबर, राइट ना? तो अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा कभी भी किसी को मोबाइल नंबर बताना है तो दो पार्ट्स में बताना है, वो करेक्ट वे है। हमेशा आपने मोबाइल नंबर को दो पार्ट्स में बताना, क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलिंग, मोबाइल पर कॉलिंग कितनी देर तक करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को? किसी भी व्यक्ति को लगातार कितनी देर तक कॉल करना चाहिए? सामने वाला फोन न उठाए तो या उठाए तो? ओनली फोर रिंग्स, चार रिंग। मैंने वर्षा मैम को कॉल किया, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, नहीं उठाया इमीडिएट कट दो फोन और वेट करना है। फिर उसके बाद कितनी, कम से कम कितनी देर? 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद ही दोबारा कॉल करना है। क्यों? यदि वो कहीं बिजी नहीं होती तो फोन आपका बार उठा लेती ना वो। यदि सामने वाला बिजी नहीं होता तो फोन उठा लेता आपका। यदि सामने वाले ने फोन नहीं उठाया इसका मतलब क्या है? ही और सी इज बिजी समवेयर एल्स, वो कहीं पे बिजी है। और जब कोई बिजी है तो फिर जबरदस्ती फोन 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 दे फोन दे फोन दे फोन दे फोन। कुछ लोगों को आदत होती है, मतलब सामने वाला व्यक्ति कहीं बिजी है, कहीं ऐसी जगह पे फोन नहीं उठा सकता, लेकिन जो फोन करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, दे दनादन लगे ही रहते जब तक सामने वाला दुखी नहीं हो जाता। सही तरीका क्या है? चार फोन गया, चौथी रिंग पे फोन काट दीजिए, चार रिंग गई फोन काट दीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, नंबर वन। दूसरी चीज, मैंने फोन किया और सुधांशु सर की किसी से बात हो रही है, सुधांशु सर का फोन बिजी आया, मैंने फोन किया सुधांशु सर बिजी है, मुझे क्या करना चाहिए? इमीडिएट कट द फोन। अब मुझे फोन नहीं करना है इनको, कम से कम 5 मिनट, या तो 5 मिनट में उनकी कॉल बैक आ जाएगी, नहीं तो मैं दोबारा 5 मिनट बाद ट्राई करूंगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आप फोन पे बात कर रहे हो और वो लगातार फोन करने में लगे रहेंगे और आपको बैक साइड से आवाज आ रही होगी, टू 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 टू, पीछे से आपको आवाज आ रही होगी, और उससे फिर क्या है, जिससे आपकी बात हो रही है उधर डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है नहीं होता आप बताओ? आप फोन पे बात कर रहे हो, कोई लगातार लगातार फोन करे जा रहा है फोन। अरे भगवान, जब ये पता है कि सामने वाला बिजी है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे सामने गाड़ी चल रही है, समझना, सामने ये गाड़ी चल रही है मेरे, इसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूं,
आगे जगह नहीं है इस गाड़ी को भी निकलने के लिए, मुझे भी निकलने के लिए जगह नहीं है, और पीछे से एक व्यक्ति आके मुझे हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है। अब हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है, मैं क्या करूंगा बताओ? उसके ऊपर चढ़ा के लेके जाऊंगा या ये मेरे ऊपर चढ़ा के निकाल के लेके जाएगा? अरे भैया, जब सामने लाइन बिजी है, जगह नहीं है, तो सामने वाला कहां लेके जाएगा? हॉर्न देने से क्या फायदा है? जब सामने स्पेस ही नहीं है तो हॉर्न देना चाहिए क्या? सेम वे, जब सामने बंदा बिजी है तो फिर क्यों बार बार फोन कर रहे हो? क्यों दे दनादन फोन पर लगे हुए? भाई बिजी है सामने वाला, हैव ए पेशेंस, थोड़ा सा वेट कर लो, जब वो फ्री हो जाएगा तो अपने आप कॉल कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो कॉल वेटिंग के टाइम पे क्या करना है? इमीडिएट कट द फोन। कॉल वेटिंग में जा रही है, फोन दोबारा ट्राई 5 मिनट बाद कर लो। 5 मिनट बाद किया फिर भी आ रहा है कॉल इज बिजी, इमीडिएट फिर काट दो, फिर 5 मिनट बाद। समझ में आ गई बात? ये कॉलिंग एंड कॉल वेटिंग। अब आ जाता है कॉल रिसीविंग। कॉल रिसीविंग, कॉल रिसीव कितनी रिंग में कर लेना चाहिए? कॉल रिसीविंग कितनी रिंग में करना चाहिए? नहीं, 4 में नहीं 3 में। चौथे में तो काट देगा सामने वाला, चौथी रिंग पे तो काट देगा। उसके काटने से एक रिंग पहले फोन रिसीव करना है। और कुछ लोगों की आदत क्या होती है, फोन सामने रखा हुआ है, कोई काम कर रहे हैं, फोन बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा, फोन ही नहीं उठाएंगे। कब उठाएंगे? जब अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तब उठाएंगे। सही तरीका क्या है? 3 रिंग गई फोन उठा लो इमीडिएट, इमीडिएट 3 रिंग जाते फोन उठा लीजिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि यदि इन्होंने 3 रिंग में फोन उठ गया तो उठ गया, नहीं तो फोन नहीं उठेगा फिर, ये कहीं बिजी है। समझ में आ रहा है? ये होता है फोन रिसीविंग करने का करेक्ट तरीका। अच्छा, आप कॉल वेटिंग पे हो, कोई फोन आ रहा है, अब आपका काम क्या है? जैसे ही आप फोन कट करोगे, आपका सबसे पहला काम है जिसकी कॉल वेटिंग में थी उसको कॉल बैक करो। पहला काम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता उस वक्त। क्या? ओम सर का मेरे पास फोन आ रहा था, मेरा फोन वेटिंग में था, मतलब मेरी कहीं पे बिजी था मैं, और ओम सर की कॉल वेटिंग में थी। अब मैंने मेरी बात कंप्लीट करते ही मेरा पहला काम है ओम सर को फोन करना। सर सॉरी, आपका फोन आ रहा था, मेरी दूसरी जगह बात चल रही थी। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? इमीडिएट, मेरी कॉल खत्म करते ही जिनकी कॉल आई थी मुझे उनको कॉल बैक करना है। देखा ऐसा गया है कुछ लापरवाह लोग कॉल बैक नहीं करते, वो लापरवाह होते एक तरीके के। समझ में आ गई बात? आप समझो, आपका फोन पे बात चल रही है, फॉर एग्जांपल मेरी बात चल रही है, मान लेते हैं वर्षा मैम से फोन पे, देवकरण जी का फोन आ रहा है। एक बार आया, मैंने देखा देवकरण जी, मैं बात कर रहा हूं लगातार, फिर देखा 1 मिनट बाद फिर फोन आ गया देवकरण जी का, मैं बात कर रहा हूं फिर फोन आ गया, तो इसका मतलब कोई अर्जेंट काम है, कोई अर्जेंट काम है। तो फिर क्या बोल रहे हैं? वर्षा मैम थोड़ा सा वेट करो प्लीज, एक कोई अर्जेंट कॉल लगती है, मैं वापस कॉल बैक करता हूं आपको। यदि इस तरीके की कोई सिचुएशन है, बार 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 आपको फोन करने में लगा हुआ है और आपका फोन वेटिंग में चल रहा है, इमीडिएट फोन कट कीजिए, पहले जिसका बार बार फोन आ रहा है उससे बात कीजिए। हाँ बोले, आप बताइए, आपका फोन बार बार आ रहा था, क्या बात है? बोले ये बात है, यदि कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनकी बात सुनिए, और नहीं तो उनको बोलिए ऐसा है अभी मेरी दूसरी जगह अर्जेंट बात चल रही थी, आप बार बार फोन कर रहे थे इसलिए मुझे उठाना पड़ा, कोई इमरजेंसी समझ के, मैं आपको 10 मिनट बाद वापस फोन करती हूँ, उससे पहले फोन मत करना मुझे, फिनिश। और इनको समझा भी देना है, फिर जिस वक्त किसी से फोन पर बात हो रही हो उस वक्त लगातार कॉल नहीं करते, उससे डिस्टरबेंस होता है, ये उनको समझा देना है, जिससे कि ये गलती वो दोबारा ना करें। समझ में आ गया? कॉल वेटिंग, कॉल रिसीविंग, कॉल बैक, मैसेजिंग। अभी मैं कहीं ऐसी जगह पर बैठा हुआ जहां मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता, फोन रिसीव नहीं कर सकता। अब देवकरण जी,
देवकरण जी बिजी समवेयर, आप बहुत बिजी हो। देवकरण जी अनम्यूट कीजिए। हेलो देवकरण जी। हेलो हाँ जी। हेलो आवाज आ रही सर? आपके पास फोन आ रहा है किसी का? क्या सर आपके पास यदि किसी का फोन आ रहा है और आप हाँ जी तो आपको क्या करना चाहिए? सर मेरे को करना चाहिए कि उसको जो अगर बार बार आ रहा है कॉल मेरे पास, तो जिससे मेरी अभी बात चल रही है उसको मैं होल्ड पे करूंगा कि मैं 2 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ, बाकी जिसका बार बार कॉल आ रहा था उसको तुरंत कॉल करूंगा, तो उसको अटेंड करके उससे बात पूछूंगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे हो लेकिन बार बार फोन आ रहा है और आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ फोन उठा भी नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए आपको? सर मैसेज करना चाहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। Immediate, वेरी गुड, immediate, ये काम करना चाहिए। कहीं आप ऐसी स्थिति में बैठे हुए हो जहाँ पे आप फोन रिसीव नहीं कर सकते और सामने वाले का बार बार जैसे ही फोन आए आपको इमीडिएट उसको मैसेज पे रिप्लाई करना है, सॉरी आई कांट रिसीव योर कॉल राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, या मैं मीटिंग में बिजी हूँ मैं आपको फ्री होके कॉल करता हूँ, या कुछ अर्जेंट है तो मुझे मैसेज कर दीजिए मैं फोन नहीं उठा सकता। समझ में आया क्या? ये होता है राइट तरीका, ये होता है लीडरशिप वाला तरीका। समझ में आ रहा है क्या? ये लीडरशिप वाला तरीका होता है। अभी एक चीज और, आपके अपलाइन का, डाउनलाइन का, प्रोस्पेक्ट का, किसी का भी कोई भी मैसेज आपके पास आया है, आपको पता है आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? मैसेज को रिप्लाई करना। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई करना, इमीडिएट रिप्लाई। आप कभी है ना मुझे मैसेज करके देखिएगा, आप लोग आप मुझे कभी भी मैसेज करके देखिएगा किसी भी बात के लिए, चाहे मुझे आपको इंफॉर्मेशन दीजिएगा, चाहे आप मुझसे कभी भी कोई चीज पूछिएगा, वट एवर, कभी भी आपको लगता हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ के देखिएगा, फिर आप ये देखिएगा कि आपको रिप्लाई कितनी देर में मिलता है। मैं सिर्फ मीटिंग में कहीं ऐसी जगह पे हूं जहां फोन मेरे पास में नहीं है तो थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है, अदरवाइज आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई मिल जाएगा। और मेरे पार्ट पे कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने मुझसे पूछा, कोई चीज पूछी है, आपका कोई मैसेज आया, मैं आपको रिप्लाई नहीं करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लापरवाह लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर, आपको पता है नोटिफिकेशन आते रहते हैं, मतलब कितने मैसेजेस अनसीन है इसके नोटिफिकेशन आते हैं। मेरे मोबाइल में आपको कभी भी एक भी नोटिफिकेशन पेंडिंग नहीं मिलेगा, नॉट अ सिंगल मैसेज पेंडिंग नहीं मिलेगा। मेरी आदत है, मेरा क्लियर रहना चाहिए एकदम से मोबाइल, और मैंने बहुत सारे लोगों के मोबाइल देखे भरे पड़े रहते हैं किससे, अनसीन मैसेजेस। अरे भैया जब तुम हैंडल नहीं कर सकते तो डिलीट मारो सबको, जब तुम जवाब नहीं दे सकते किसी का तो उसको डिलीट मारो, उसको मना कर दो मैसेज नहीं डाला करे, या फिर आप व्हाट्सएप यूज मत करो, अदरवाइज तो आपका मोबाइल एकदम क्लीन रहना चाहिए। अब क्या पता है कुछ लोगों को क्या है, कई दिन तक मैसेज का जवाब ही नहीं आएगा, और फिर आप बोलोगे ये आपने किया नहीं, मुझे कब बताया था, अरे मैसेज तो चेक कर, अरे मैंने मैसेज नहीं देखा, बहुत मैसेज भरे पड़े रहते हैं। अरे बहुत कचरा भर के क्यों रखते हो आप मोबाइल में? मोबाइल आपका एकदम क्लीन रहना चाहिए, एकदम क्लीन, आपके मोबाइल में एक भी मैसेज पेंडिंग नहीं पड़ा रहना चाहिए देखने के लिए। इवन मैं आपको बोलूं, जिस वक्त मेरी ट्रेनिंग भी आपसे चल रही होती है ना, और मुझे कुछ सेकंड्स का भी यदि टाइम मिल जाता है ना, कुछ सेकंड्स का भी टाइम मिलता है ना तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ किसी का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है। कभी भी पता नहीं किसका क्या इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। और आपको बोलूं, मैं
मेरे पास से मोबाइल मतलब कहीं भी रहूं, मैं नहाने भी गया हूं ना, तो नहा के आने के बाद पता है पहला काम क्या करता हूं, किसी का कोई अर्जेंट मैसेज या कॉल तो नहीं है, पूजा करके भी आया हूं ना तो सबसे पहले कोई अर्जेंट कॉल या मैसेज तो नहीं है, कुछ भी करके आऊंगा ना सबसे पहले ये चेक करूंगा किसी का कोई कॉल मैसेज तो नहीं है, व्हाट्सअप कोई तो नहीं पड़ा हुआ है पेंडिंग जवाब देने के लिए, कोई मेल तो नहीं पड़ी हुई है जवाब देने के लिए। आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाने के बाद चेक करो, खाना खा रहे हो तो चेक करो बाद में, आप कुछ भी कर रहे हो एज ए लीडर आपका मोबाइल हमेशा क्लीन रहना चाहिए, आपको जवाब हमेशा देना चाहिए, ऑफलाइन को भी डाउनलाइन को भी, किसी का भी मैसेज आ रहा है आपको इमीडिएट जवाब देना चाहिए, जवाब आपका कभी भी रिप्लाई पेंडिंग में नहीं पड़े रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको मोबाइल का यूज? ये अक्सर गलती लोग करते हैं, अपलाइन ने मैसेज डाला कुछ पूछने के लिए, डाउनलाइन से ग्रुप में मैसेज डाला है अपलाइन ने, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप अपनी अपलाइन की टीम के सबसे पहले व्यक्ति होने चाहिए जो मैसेज का रिप्लाई करे, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू रिप्लाई। आपके ग्रुप में कोई चीज आई है रिप्लाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन होना चाहिए? मैं। लोग मैसेजेस को नजरअंदाज करते हैं, व्हाट्सएप को नजरअंदाज करते हैं, कॉल्स को नजरअंदाज करते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी लीडरशिप खराब होती जाती है। समझ में आ गई क्या बात आपको? इसके अलावा आ जाता है मोबाइल ऑन ऑफ कब करना है, मोबाइल ऑन ऑफ कब करना है एक लीडर को पता है? एक लीडर का मोबाइल 24 घंटे ऑन रहना चाहिए, 24 आवर ऑन। लीडर का मोबाइल कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, लीडर का इंटरनेट कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये तो आपने मतलब आज एक नई बात बता दी, अब हम मोबाइल भी बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, अब आपकी लाइफ आपकी नहीं है, अब आपकी लाइफ टीम की लाइफ है आपकी। जैसे ही दो लोग आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ खत्म, अब आप पर्सनल नहीं हो, अब आपकी कोई भी लाइफ पर्सनल नहीं है। अब आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपकी कभी भी आवश्यकता टीम को पड़ सकती है एंड यू आर अ लीडर, अ लीडर इज सपोज टू सपोर्ट 24/7 24 घंटे सातों दिन लीडर को एक्टिव रहना होता है टीम के लिए। पता नहीं कब किसको आवश्यकता पड़ जाए, इंपॉर्टेंट। लीडर का फोन कभी भी साइलेंट पर नहीं जाना चाहिए। हाँ मीटिंग में हो, मीटिंग में हो तो साइलेंट भी चलेगा, स्विच ऑफ भी चलेगा, लेकिन मीटिंग के अलावा आप कहीं भी हो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कोई भी टाइम हो आपका फोन साइलेंट नहीं होगा, स्विच ऑफ नहीं होगा। आप मुझे फोन करके देखिएगा, रात को 3 बजे करिएगा फोन, 4 बजे करके देखिएगा, 2 बजे करके देखिएगा फोन, यू विल गेट रेस्पॉन्स विद इन 4 रिंग्स। मैं 11 बजे भी सोऊंगा, 1 बजे ट्राई कर लेना, चौथी रिंग पे फोन उठ जाएगा आपका। ये लीडरशिप का फोन हमेशा इतना आपको फोन पे एक्टिव रहना होगा। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखना है, नो कॉल आफ्टर 11 PM। आपका फोन 2400 घंटे एक्टिव रहेगा लेकिन आपको न तो डाउनलाइन को न अपलाइन को जनरली किसी को भी 11 बजे के बाद कॉल नहीं करना है। 11 PM इज लास्ट, उसके बाद में कॉल सिर्फ इमरजेंसी के केस में ही करोगे, कोई हॉस्पिटल केस है, कोई इमरजेंसी है, कोई इस तरीके की कोई ट्रेजिडी है, मिसहैपनिंग है, उस केस में ही आप 11 बजे के बाद फोन करोगे, अदरवाइज आप फोन नहीं करोगे। 11 बजे के बाद ना किसी अपलाइन को फोन करना है ना किसी डाउनलाइन को फोन करना है, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उन्होंने तो 24 घंटे फोन ऑन करके रखा हुआ है बीइंग अ लीडर। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जिस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ में एटलीस्ट कम से कम 11 बजे के बाद हम उनको डिस्टर्ब ना करें, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप भी तो अपलाइन हो किसी की, या आप डाउनलाइन को भी फोन मत कीजिए, कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो मैसेज करके छोड़ दीजिए, डाउनलाइन या अपलाइन को कॉल मत कीजिए,
11 बजे के बाद, आफ्टर 11, और अपोजिट मतलब जेंडर को 10 बजे के बाद भी फोन नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप फीमेल हो, मेल में आपका अपलाइन है, डाउनलाइन, 10 बजे के बाद उसको कॉल नहीं करना है, रात को 10 बजे के बाद। कोई अर्जेंट है तो मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, आपको कॉल नहीं करना है उनको। जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल गीता महाराणा मेरी डाउनलाइन में है, मुझे 10 बजे के बाद गीता मैम को फोन नहीं करना चाहिए, मैं शोभा मैम का अपलाइन हूं, फॉर एग्जांपल शोभा मैम को मुझे 10 बजे के बाद फोन नहीं करना चाहिए, या वर्षा मैम मेरी टीम में है तो मुझे वर्षा मैम को 10 बजे के बाद फोन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको? 10 बजे के बाद किसी भी अपोजिट जेंडर को फोन नहीं करना है। उससे क्या होता है, कई बार आपके फैमिली में इरिटेशन हो सकती है। दिन में वो लोग मना नहीं करते बिजनेस करने के लिए, लेकिन रात को यदि कोई अननोन व्यक्ति यदि आपको फोन करे, चाहे वो आपका अपलाइन हो चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, आपके फैमिली को तकलीफ हो सकती है, स्वाभाविक है। आप अपने हस्बैंड के साथ बैठे हुए और मैं आपको फोन कर रहा हूं, अच्छा चलो ठीक है, अर्जेंट था, मैंने फोन भी किया अर्जेंट एमरजेंसी में, तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट में फोन कट, 1 से 1.5 मिनट में फोन कट, लंबी बात बिल्कुल नहीं करनी है यदि एमरजेंसी में फोन भी करना पड़े, क्योंकि किसी के हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ किसी और से 10 मिनट बात करे वो उसको अच्छा नहीं लगता, यानी उसको अटेंशन न दे, अटेंशन उसका दूसरी तरफ है, या किसी की वाइफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसका हस्बैंड 10 मिनट तक किसी दूसरी लेडी से बात करता रहे और उसको रेस्पॉन्स न करे, उसको इंपॉर्टेंस न दे। अब सोच के देखो ना, मेरी वाइफ बराबर में बैठी है, अभी किसी लेडी का फोन आ रहा है और मैं 15 मिनट तक उससे फोन पे बात कर रहा हूं, उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो क्या करना चाहिए, यदि फोन आए भी मेरे पास किसी लेडी का, हाँ मैम बोलिए क्या प्रॉब्लम थी, सर ये बात थी, ठीक है मैम ओके डन, सुबह बात करते, फिनिश, जो बात थी हो गई, 1 मिनट में बात खत्म। इस बात का आपको एज ए लीडर ध्यान रखना, समझ में आ रहा है क्या? लीडर को फोन कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अभी आप लोगों को मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं, अरे आपका कोई मन में कोई सवाल हो मोबाइल यूज को लेके तो पूछ सकते हो, आप लोग पूछ सकते हैं, यदि किसी को कुछ भी पूछना हो तो। शोभा मैम को समझ में आया कैसे फोन यूज करना चाहिए? यस सर, समझ में आया मुझे। गलती होती है लोगों से फोन यूज करने में? गलती होती नहीं होती। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी डाउनलाइन के साथ बैठे हो और दूसरी डाउनलाइन का फोन आ जाए, लंबी बात नहीं करनी है। मैं बैठा हुआ हूं ओम सर के साथ, सुहेल जी का फोन आ जाए, मुझे सुहेल जी से लंबी बात नहीं करनी है, सुहेल जी को सिर्फ एक चीज बोलनी है, सुहेल जी कुछ अर्जेंट है तो बताइए, अदरवाइज मैं थोड़ी देर में फ्री होके फोन करता हूं। समझ में आ गया? इससे ओम सर को इरिटेशन नहीं होगी। यदि मैं सुहेल जी से लंबी बात करता रहूंगा ओम सर के सामने बैठ के, तो ओम सर को इरिटेशन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मैं बैठा इनके साथ हूं और इंपॉर्टेंस मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूं, तो इससे ऑटोमेटिकली डीआईडीफिकेशन होता है उस व्यक्ति का जो हमारे साथ बैठा है। वर्षा मैम का फोन आ गया, मैं शशि मैम के साथ बैठ के काउंसलिंग कर रहा हूं और मैं शशि मैम को छोड़ के वर्षा मैम के साथ फोन पे आधे घंटे बात कर रहा हूं और उधर शशि मैम अपना टाइम देके बैठी हुई है, उनको इरिटेशन होने लगेगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। आप कहीं पे बैठे हो, अपलाइन का डाउनलाइन का किसी का भी फोन आए, इमीडिएट फोन रिसीव कर लीजिए, उनको बोलिए
मैं एक मीटिंग में हूं, मीटिंग से फ्री होकर मैं आपको कॉल करता हूं प्लीज, या फिर इमीडिएट मैसेज डाल दीजिए। तो कई सारी चीजें आज मैंने आप लोगों को बताई हैं मोबाइल के करेक्ट यूज को लेकर, और कल मैं आप लोगों से पूछूंगा आपको क्या क्या समझ में आया था। अभी मैं नहीं पूछूंगा, अभी मेरी दूसरी मीटिंग है, मैं कल पूछूंगा आपसे क्या क्या समझ में आया था। तो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, एक बार सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, और फिर कल हम एक बार डिस्कस करेंगे। मैं आपसे वापस पूछने वाला हूं आज के सेशन से आपको क्या क्या समझ में आया था। डन, तो चलिए मुलाकात होगी आप लोगों से कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट। नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्ते मैम, नमस्ते।